Hello friends, welcome to Musuma classes. So today I'm going to teach you about NFA. So what is NFA? NFA, you can say non-deterministic finite automata, or you can say the non-finite automata. So non-deterministic finite automata. Okay, so 1959 में ये introduce हुई थी. Okay, so NFA में 5 tuples होते हैं जो हम use करते हैं. तो suppose that कोई machine M है, ठीक है, तो non-finite automata के लिए 5 tuples यहाँ पर होंगे, जो होंगे ओके. तो ये 5 टपल्स होंगे. इन 5 टपल्स के बारे में देख लेते हैं. जो ये क्यू है, ये एक तरीके का फाइनाइट या यू कह सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट है. नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, ठीक है, या इज अ finite. It means कि is a finite कॉमन लगा के नॉन फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट बोल सकते हैं इसको. देन ऐसे लिख सकते हैं कि ये टपल्स हैं वेयर क्यू इज एंड सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट. जो भी हम इनपुट दे रहे हैं सॉरी वो आएंगे सिग्मा के अंदर. देन आता है क्यू नॉट, इसको हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं. तो जो इनिशियल स्टेट होता है ये बिलोंग करता है कैपिटल क्यू को, ठीक है, और ये कैपिटल जो स्मॉल क्यू है वो उसे बोलते हैं इज़ अ इनिशियल स्टेट, ठीक है. एंड देन बात करते हैं फाइनल सेट की एफ की. तो जो क्यू से रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है, इज द ओके इज द फाइनल सेट द या यू कह सकते हैं इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक है. एंड इसके जो रिलेशन होता है वो बता देते हैं. ट्रांजिशन स्टेट जो होती है 2 की पावर q, और ये 2 की पावर q है वो पावर सेट ऑफ क्यू होता है. इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ क्यू. ओके, तो ये चीज़ें जो हो गई आपकी नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, ठीक है. मतलब NFA के बारे में मतलब बहुत ही एक छोटा सा फॉर्मेट बताया आपको कि NFA होता क्या है. अब आप बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल पर कि कैसे हम NFA के एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. तो NFA का मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, डायरेक्टली इस पर मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं NFA किस तरीके से वर्किंग करता है. तो सपोज दैट एक एम ये मशीन दे रखी है जिसके टपल्स दे रखे हुए हैं, और जहाँ पर क्यू सिग्मा क्यू नॉट एफ ये दे रखा हुआ है यहाँ पर कि उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं. ओके, एंड ट्रांजिशन टेबल दे रखी है, और क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम एंड एंटायर सिक्वेंस डिटरमाइन करनी है यहाँ पर, और वेदर द चेक द गिवन वर्ड इज़ एक्सेप्टेड बाई द मशीन और नॉट. सो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं. तो अब आज इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम. इस हमने आपको पुराने लेक्चर्स में ये भी बताया है, पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाते हैं. तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो देखिए इस तरीके से कितने स्टेट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 5 स्टेट दे रखे हैं यहाँ पर. तो आपको 5 स्टेट बना लेने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से 5 स्टेट बना लीजिए आप, ठीक है. ये Q0 दे दिया, यहाँ हम दे देते हैं सपोज़ यहाँ दे देते हैं Q1 Q2 Q3 Q4
Q4 दे देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर माइनस सिंबल दे रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस दे रखा है, ये तीन ऑपरेटर यहाँ यूज़ कर रखे हुए हैं। माइनस मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेट एंड ये होता है फाइनल स्टेट। तो स्टार्टिंग स्टेट तो इसमें एरो लगा देना है, ठीक है, एंड द फाइनल स्टेट दे रखी है Q2 और Q4, तो डबल सर्कल। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इस पर। एंड देन Q0 पे जीरो पे जाते हैं, तो Q0 किधर जाते हैं, मतलब कि Q0 पर अगर हम जीरो जाते हैं तो हम या तो Q0 पे जाएंगे या तो हम जीरो पर Q3 पे जा रहे हैं, ओके। एंड देन इसके बाद हम Q0 से वन पे Q1 जा रहे हैं, तो हम इसका मतलब वन पे भी जा सकते, वन से भी Q0 पे जा सकते हैं एंड Q1 पे भी। तो ये हो गया आपका वन Q1 पे जाने के लिए, ओके। देन हम बात करते हैं Q1 पे, तो Q1 पे जीरो पे क्या मिल रहा है आपको, फाइव। तो Q1 पे जीरो पे फाइव मतलब नथिंग, छोड़ दीजिए, Q1 पे वन पे आप मिल रहा है Q2, ये वन पे मिल गया आपको, ये वन पे आपको मिल गया Q2। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं Q2 पर जीरो पे Q2 मिल रहा है, तो Q2 पे हम जा रहे हैं, जीरो पे Q2 ही मिलेगा और वन पे भी Q2 ही मिल रहा है, तो ये हो गया। देन बात करते हैं Q3 पे, तो Q3 पे जीरो पे Q4, जीरो पे Q4 मिल रहा है और Q3 पर वन पे मिल रहा है फाइव, तो कुछ नहीं करना है। Q4 पे जीरो पे Q4 और Q4 पे वन पे Q4, मतलब कि इस तरीके से देखिए यहाँ पर जीरो और वन पे। तो ये हो गया कुल मिला के आपका ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ओके। तो ये तो हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि ड्रॉ ट्रांजिशन डायग्राम, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन बात करते हैं डिटरमाइन द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द स्टेट फॉर द गिवन स्ट्रिंग 01001। तो आंसर बी, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट इनिशियली स्टार्ट होती है Q0 से, और जो पहला 01001 ये जो स्ट्रिंग दे रखी है, इसका पहला जो इनपुट है वो जीरो है, जो स्ट्रिंग है मतलब कि जो कैरेक्टर दे रखा है जीरो, मतलब कि जो पहला वर्ड है जीरो। तो Q0 पे जीरो जाने पे क्या मिलेगा हमको, Q0 से Q0 पे जाते हैं, Q0 से Q0 पे Q0 Q3 मिलता है, तो क्या मिल जाएगा Q0 Q3, ओके। देन हम बात करते हैं Q0 से, अब देखिए Q0 पे तो हम हैं और अब हमारी स्ट्रिंग जीरो से क्या हो गई, वन हो गई, तो 01, ठीक है, पहले जीरो थी अब वन भी आ गया साथ में। अब देखिएगा यहाँ पर बात को अच्छे से, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट Q0 से पहले जीरो को लेगी ना, Q0 से जीरो को ले लेगी, इतना तो ले लेगी ना एक साथ, तो Q0, 0 और ये आ गया वन, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है ये ऊपर दे रखी है, देखिए Q0 की वैल्यू देखिए Q0 Q3, तो ये आ गया Q0 Q3, ये आ गया वन, ओके। इसके बाद ये हो जाएगा आपका Q0, अलग अलग इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम, तो आ जाएगा आपका Q0, 1 यूनियन ट्रांजिशन स्टेट Q3, 1। एंड अब Q01 पे जाते हैं, Q0 Q1 मिलता है हमको, Q0 मिलता है और Q1 मिलता है यूनियन Q3 पे 1 पे गए तो 5 मिला, 5 मिला, तो अल्टीमेटली Q0, Q1 ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है। तो दो चीज़ें निकल आई, इसके बाद देखिए अब ट्रांजिशन स्टेट Q0, 01 तो निकल गया था, थर्ड ऐड कर देंगे अब जीरो, तो ट्रांजिशन स्टेट Q0, 0, 0 और 1 पे निकल चुका था, तो हम क्या करेंगे, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा कर लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट Q0 और ये 01 पे निकल चुका था, बचा क्या, बचा था हमारा जो नया ऐड हुआ है 0, और इसकी वैल्यू दे रखी है पहले से ही,
यहाँ पर Q0 Q1, तो अब हमें यहाँ रख देना है Q0 Q1 और ये जीरो ट्रांजिशन स्टेट Q0 0 यूनियन ट्रांजिशन स्टेट Q1 0। तो अब Q0 और पर जीरो पे क्या मिल रहा है, Q0 0 पे मिल रहा है Q0 Q3 यूनियन, और Q10 पे क्या मिल रहा है, Q10 पे मिल रहा है 5। तो इस तरीके से ओवरऑल बन जाएगा आपका, ये ओवरऑल बन गया आपका Q0 और Q3, इसका बन गया डॉलर Q0 010। देन देखिए Q0 010 तक हम लोगों ने ले लिया था, अब आगे बढ़ जाएंगे जीरो और आ गया, तो ट्रांजिशन स्टेट Q0 010 तक ले लिया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, और जीरो बचा, तो इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू ये निकली है Q0 Q3 और ये बाकी जीरो। देन ये आपका बन जाएगा Q0 0 यूनियन ट्रांजिशन स्टेट Q3 0, ये Q0 0 आपका आ जाएगा, Q0 0 आ गया आपका Q0 Q3 एंड देन यूनियन ट्रांजिशन स्टेट Q3 0 पे मिल रहा है Q4। तो ओवरऑल बन जाएगा आपका ये Q0 Q3 एंड Q4। ये जीरो तक हो गया था, वन तक लेंगे हम लोग, तो अब हम लेंगे Q0 0 1 0 0 1, तो ये बन जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट Q0 0 1 0 0 और ये 1। तो इसकी वैल्यू दे रखी है गिवन ये, तो ट्रांजिशन स्टेट Q0 Q3 Q4 1, अलग तोड़ लेंगे इसे Q0 1 यूनियन ट्रांजिशन स्टेट Q3 1 यूनियन ट्रांजिशन स्टेट Q4 1। Q0 1 की वैल्यू क्या होगी, Q0 1 की वैल्यू है Q0 Q1 यूनियन Q3 1 की वैल्यू क्या है, Q3 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, ये हो गया आपका 5 यूनियन Q4 1 की दे रखी है Q4 दे रखी हुई है। ओके तो आ जाएगा आपका यहाँ पर यूनियन आ गया आपका, सॉरी यूनियन पहले लिख लिया मैंने Q4। तो ओवरऑल जो बनेगा आपका वो बन जाएगा Q0 Q1 Q4, तो ये आपका बन गया। तो इस तरीके से ये आपका हो गया, जितना भी आपने ये निकाला यहाँ से लेकर लास्ट, ये आपका हो गया जो आपने डिटरमाइन करनी थी सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस ऑफ द स्टेट हो गया फॉर किसके लिए, 01001 के लिए। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी क्लियर होता है। देन बचा थर्ड क्वेश्चन, जो डिटरमाइन वेदर द वर्ड 01001 इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन और नॉट, 01001। तो अब हम बात कर लेते हैं 00001001 का। तो स्ट्रिंग है 01001, ठीक है, तो इनिशियली था 00, तो Q0 पर अगर हम मान लो 0 देते हैं, अब देखिए अब इससे निकलेगा आपका Q0 पर अगर हम 0 देते हैं तो या तो हम जा सकते हैं Q0 पर, ठीक है, या तो Q0 पर अगर 0 इनपुट देते हैं तो Q3 जा सकते हैं हम लोग, तो दो रास्ते हमारे पास हो गए, 0 देते हैं तो यहाँ पर आता है Q0 या तो Q3, ठीक, तो ये 0 निपट गया। अब 1 की बात करते हैं, तो 1 अगर हम Q0 से देते हैं, 1 देते हैं अगर Q0 पर, तो या तो ये Q0 जा सकता है, कैसे, Q0 अगर हम पर 1 देते हैं तो Q0 मिल रहा ना हमको, तो हमको 1 पे Q0 मिल गया, ओके, और इसी पर अगर हम 1 दे देते हैं
वन, तो क्यू जीरो पर अगर हम वन देते हैं तो हमको फिर से क्या मिल सकता है, क्यू जीरो, लेकिन दे लिख रखा है तो वन पे क्या मिल सकता है, क्यू वन। अब क्यू जीरो पर हम बात करते हैं जीरो की, फिर से अगर हम जीरो की बात करते हैं तो क्यू जीरो मिल सकता है हमको, मतलब कि अगर हम बात करें जीरो की, और फिर अगर हम जीरो की बात करते हैं यहाँ पर तो फिर से हमको क्यू जीरो मिलेगा, और अगर फिर से बात करते हैं वन की तो क्या मिलेगा, क्यू जीरो मिलेगा। बट यहाँ पर बात करते हैं क्यू जीरो पर अगर हमने जीरो दिया था तो हमको मिलता है क्यू थ्री, और अगर हमने यहाँ जीरो दिया होता फिर से हमें क्या मिलता है, क्यू थ्री, और अगर हमने यहाँ वन दिया होता तो हमें क्या मिलता, क्यू वन। ओके, लेकिन हम देखते हैं क्यू थ्री पर अगर हमने सपोज ने जीरो दे दिया था, वन दे दिया था, यहाँ से देखिए जीरो वन ले लिया हम लोग यूज़ कर लिया जीरो वन, लेकिन जीरो जीरो वन जो था हमने यहाँ से जीरो ले लिया तो जीरो होगा तीन जीरो का, मतलब कि जीरो वन जीरो जीरो वन था ना हमारा, तो जीरो वन जीरो ले लिया हम लोगों ने यहाँ तक, सॉरी जीरो वन जीरो ले लिया यहाँ तक हमने, ये सिक्वेंस हम लोगों ने ले लिया यहाँ तक। अब अगर हम क्यू थ्री पर हमें जीरो देना है, अगर हम क्यू थ्री पर जीरो दे दें, मतलब कि अगर हमें क्यू थ्री पर जीरो दे दें हमें क्या मिल जाएगा, क्यू फोर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद भी, इसके बाद ये हो गया हमारा, ये वन दे दें तो वन दे दें तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, क्यू फोर फिर से मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि क्यू जीरो पर अगर हम क्यू थ्री पर जीरो दे रहे हैं तो क्यू फोर मिल रहा है, और क्यू फोर पर अगर वन दे रहे हैं तो फिर से क्या मिल रहा है, क्यू फोर मिल रहा है, फाइनल स्टेट मिल रही है इसका मतलब हमको। तो ये जो सिक्वेंस आपकी मिली है आपको, ये जो सिक्वेंस मिली है आपको इक्कीस इनपुट में मिली है, इक्कीस इनपुट में मिली आपको, ये इनपुट मिला है जीरो वन जीरो, ये जीरो वन, ये जीरो वन जीरो जीरो वन। तो ये जो आपको सिक्वेंस मिल रहा है, क्या ये आपको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है, ये आपको फाइनल स्टेट पे ही लेके जा रहा है, फाइनल स्टेट। और क्या ये इनिशियल स्टेट है, हाँ जी ये इनिशियल स्टेट है। तो ओवरऑल इनिशियल से फाइनल स्टेट में अगर कोई वर्ड आपका लेके पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस जो वर्ड है ये मशीन से एक्सेप्टेड होगा। वी नो दैट अ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इफ एंड ओनली इफ देयर इज एट लीस्ट वन सीक्वेंस ऑफ द मूव्स लीडिंग अ फाइनल स्टेट। ओके, अगर फाइनल स्टेट मूव कर रहा है तो ये वर्ड एक्सेप्टेड होगा बाय द मशीन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द DFA विद एग्जांपल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे इसमें वीडियोस आने वाले हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।